नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सदिश बीजगणित का भाग 6 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब हम कि किस प्रकार से हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, दो शून्येतर सदिशों A तथा B का सदिश गुणनफल अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट हम सदिश A क्रॉस सदिश B द्वारा निर्दिष्ट करते हैं और इसे सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर मॉड सदिश A मॉड सदिश B साइन थीटा n कैप के रूप में परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा था वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में अर्थात अदिश गुणनफल के बारे में। अब हम जानेंगे वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अर्थात सदिश गुणनफल के बारे में। तो यहाँ पर आपने जो सबसे पहला डिफरेंस देखा है वो है कि दो वेक्टर के जो साइन है अर्थात जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं उनके जो सिंबल है वो चेंज हो रहे हैं। अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया था, अब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा जैसा कि आप सब जानते हैं थीटा पर डिपेंड कर रही होगी और जो एन कैप यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एन कैप डिनोट कर रहा है उन दोनों वेक्टर से बन रहे डायरेक्शन को। आइए देखते हैं इसे। तो दोस्तों, ये रहे हमारे दोनों वेक्टर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हम इनका डायरेक्शन कैसे बता पाएंगे। या तो इनका डायरेक्शन इनवर्ड होगा या तो इनका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड होगा तो वो माइनस सिंबल में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जैसा कि आपने अपने फिजिक्स के चैप्टर में भी पढ़ा होगा वही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे हमारे इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन को। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर हमारा जो पहला वेक्टर होगा हम पहले अपने पाम को उसके डायरेक्शन में करेंगे और फिर जो हमारे दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसके तरफ हम हमारे हाथ से कर्ल बनाएंगे पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ में। ऐसा करते समय जिधर भी हमारा थंब होगा उसी डायरेक्शन में हमारे ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यानी कि सबसे पहले आप जो हमारा पहला वेक्टर होगा उसके तरफ अपना पाम करेंगे, फिर जो हमारा दूसरा वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन में आप कर्ल बनाएंगे। ऐसा करते समय जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वही हमारे दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं अर्थात n कैप फाइंड करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो थीटा है वो इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण है जो कि शून्य से लेकर पाई के बीच में लाई करता है। यहाँ पर हमारा जो n कैप है वो एक मात्रक सदिश है जो कि सदिश A तथा B दोनों पर परपेंडिकुलर है अर्थात लंब है। यहाँ पर भी अगर हमारा इन दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर शून्य हो जाता है तो हमारा थीटा परिभाषित नहीं होता है यानी कि थीटा अनडिफाइंड हो जाता है और ऐसी स्थिति में हमारा जो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी शून्य के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अर्थात दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में। आइए अब इनके कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो होगा कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो एक सदिश है। जाहिर सी बात है कि वो एक सदिश होगा क्योंकि यहाँ पर जो आपने देखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप के। तो यहाँ पर जो मॉड ए वेक्टर है वो एक रियल नंबर है,
मॉड ऑफ बी वेक्टर जो है वो भी एक रियल नंबर है, साइन थीटा भी आपका रियल नंबर है, जो कि एक तरह के ये सारे मैग्नीट्यूड हैं, और एन कैप जो है वो आपके डायरेक्शन को बताता है, यानी कि ये यहाँ पर इनके क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, इसलिए ये एक प्रकार का सदिश है। इसके बाद जो हमारा दूसरा रिजल्ट है वो है, मान लीजिए कि सदिश ए तथा बी दो शून्येतर सदिश हैं, तब सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर होगा शून्य के यदि और केवल यदि सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के समांतर होंगे, अर्थात पैरेलल होंगे। यानी कि अगर हमें ये दिया हुआ है कि सदिश ए क्रॉस सदिश बी शून्य के बराबर है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये शून्य के बराबर तभी होंगे जब ये दोनों सदिश एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसके बाद हमारा जो अगला रिजल्ट है वो कहता है कि अगर सदिश ए का क्रॉस प्रोडक्ट आप सदिश ए के साथ ज्ञात कर रहे हैं और वो आपको शून्य प्राप्त हो रहा है, तो इस स्थिति में हमारा जो थीटा होगा वो शून्य के बराबर होगा। और इसी प्रकार से अगर आप सदिश ए का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ सदिश ए से और वो आपको शून्य प्राप्त हो रहा है, तो इस स्थिति में आपका जो थीटा होगा वो पाई के बराबर होगा। और दोस्तों इन दोनों स्थिति में हमारा जो साइन थीटा का मान्य होगा वो शून्य हो जाता है। अब अगर हमारे थीटा की वैल्यू पाई बाई टू है, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा कि हमारा जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर के, क्योंकि हमारा थीटा पाई बाई टू है जो कि एक के बराबर होता है। इसके बाद हमारा जो अगला रिजल्ट है इसे आप बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं दो वेक्टर का फाइंड करने में। तो दोस्तों जब आप आई कैप क्रॉस आई कैप फाइंड करेंगे या जे क्रॉस जे कैप फाइंड करेंगे या के क्रॉस के कैप फाइंड करेंगे, तो वो आपको शून्य के बराबर प्राप्त होगा। लेकिन जब आप I कैप क्रॉस J कैप फाइंड करेंगे तो वो आपको K के बराबर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब आप J कैप क्रॉस K कैप फाइंड करेंगे तो वो आपको I कैप के बराबर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब आप K कैप क्रॉस I कैप फाइंड करेंगे तो वो आपको J कैप के बराबर प्राप्त होगा। और ऐसा आप याद रखने के लिए I J K को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके देखेंगे तो वो आपको वही वैल्यूज देंगे जो कि यहाँ पर लिखी गई है, और अगर आप इनकी वैल्यू क्लॉकवाइज में फाइंड करेंगे तो आपको इनकी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है इसे आप जरूर अपने ध्यान में रखें, और इसे अच्छे तरह से ध्यान में रखने के लिए आप ये जो इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसका प्रयोग करें और इसे यूज करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रिजल्ट की ओर, जो कि कह रहा है दो सदिश के बीच के कोण के बारे में। तो दोस्तों अगर कोई दो सदिश है, मान लीजिए ए और बी, और उनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है, तो वो आप ज्ञात करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, जहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी साइन प्रतिलोम मॉड A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का कोण फाइंड करने का जो सूत्र है इसे आप जरूर अपने ध्यान में रखें। दोस्तों अब हम कुछ और रिजल्ट देखेंगे, जो कि है कि सदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता, यानी कि क्यूमुलेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई दो सदिश लिया है A और B, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको वो उसी के बराबर नहीं प्राप्त होगा जब आप B क्रॉस A वेक्टर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो आप चाहे तो कोई एक उदाहरण लेकर इसे स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला रिजल्ट है वो है कि आपको J कैप क्रॉस I कैप प्राप्त होगा माइनस K कैप, इसी प्रकार से K कैप क्रॉस J कैप आपको प्राप्त होगा माइनस I कैप, इसी तरह से आपको I कैप क्रॉस K कैप प्राप्त होगा माइनस J कैप। जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि जब आप इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, जो इमेज आपको दिखाई गई थी उसमें आपको इनकी नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी, जिसका कि आप यूज करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने में, कि अगर आपको
जे कैप क्रॉस आई कैप मिल रहा है तो वहां पर आप माइनस के कैप लिखें। इसी तरह से आप फर्दर अगर आपको के कैप क्रॉस जे कैप प्राप्त हो रहा है तो वहां पर उनकी वैल्यू आप माइनस आई कैप लिखें। इसी तरह से अगर आपको आई कैप क्रॉस के कैप प्राप्त हो रहा है तो उनकी जगह पर आप माइनस जे कैप लिखें। इसके बाद हमारा अगला रिजल्ट कहता है कि यदि सदिश ए और सदिश बी त्रिभुज के संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड सदिश ए क्रॉस सदिश बी के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि अगर आपको दो सदिश त्रिभुज के संलग्न भुजाओं के रूप में निरूपित करते हुए प्राप्त हो रहे हैं तो आप उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं बड़े ही आसानी से यूजिंग द फॉर्मूला 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। इसी तरह से अगर आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ होता है तो उसका भी आप क्षेत्रफल इसी फॉर्मूला का डबल करके फाइंड कर सकते हैं जो कि आपको प्राप्त होगा मॉड ए वेक्टर क्रॉस मॉड बी वेक्टर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारी दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके कुछ गुणधर्म के बारे में जो कि हैं। पहला है, मान लीजिए सदिश ए सदिश बी और सदिश सी तीन सदिश हैं, तब सदिश ए क्रॉस सदिश बी प्लस सदिश सी बराबर होगा सदिश ए क्रॉस सदिश बी प्लस सदिश ए क्रॉस सदिश सी के। यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। तो ये हैं आपके सदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण गुणधर्म। इसी तरह से हमारा जो अगला गुणधर्म है वो कहता है, मान लीजिए सदिश ए और सदिश बी दो सदिश हैं और लेमडा एक अदिश है, तो आपको जब आप लेमडा गुणे सदिश ए क्रॉस सदिश बी ज्ञात करेंगे तो वो आपको उतना ही प्राप्त होगा जब आप लेमडा गुणे सदिश ए क्रॉस सदिश बी ज्ञात करेंगे या फिर आप सदिश ए क्रॉस लेमडा सदिश बी ज्ञात करेंगे, तो ये सभी आपको एक बराबर ही प्राप्त होंगे और यही है आपका सदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण गुणधर्म। तो दोस्तों इसी के साथ दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में जो भी जानकारी थी आपको यहाँ पर बता दी गई है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इन पर आधारित कुछ प्रश्नों की ओर। जो पहला उदाहरण यहाँ पर हमने लिया है वो है, यदि सदिश ए बराबर है 2i कैप + j कैप + 3k कैप और सदिश बी बराबर है 3i कैप + 5j कैप - 2k कैप तो मॉड सदिश ए क्रॉस सदिश बी ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो होगा कि सदिश ए क्रॉस सदिश बी ज्ञात करना। तो दोस्तों इसे ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे जिसमें हम यहाँ पर 3x3 में हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसमें हमारे पहले रो में आएगा आई कैप जे कैप और के कैप, दूसरे रो में आएगा हमारा वेक्टर ए की स्केलर कंपोनेंट और तीसरे रो में आएगा हमारे वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट्स। इसके बाद जैसा कि आप डिटरमिनेंट में फॉलो करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर भी फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आपको जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा -2 × 1 - 5 × 3 i कैप - 2 × 2 - 3 × 3 j कैप + 2 × 5 - 3 × 1 k कैप। ऐसा हमने डिटरमिनेंट का जो रूल है उससे सॉल्व किया है। डिटरमिनेंट चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है, सेम उसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करना है और इसे फर्दर सॉल्व करना है और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब जो ये वैल्यूज आई हैं इन्हें आप फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपको ये प्राप्त होगा -2 − 15 i कैप - −4 − 9 j कैप + 10 − 3 k कैप। जिसे आप और सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा −17 i कैप + 13 j कैप + 7 k कैप। तो दोस्तों ये आया है आपका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब आपको इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इनका मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करेंगे? तो दोस्तों इनका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला √-17² + 13² + 7² यानी कि जो आपका इनका प्रोडक्ट आया है उसके स्केलर कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर करके उन्हें एड करके फिर उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
तो इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट 289 प्लस 169 प्लस 49, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको इनका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा अंडर रूट 507। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमने मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है सदिश ए योग सदिश बी और सदिश ए घटा सदिश बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां सदिश ए बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और सदिश बी बराबर है आई कैप प्लस 2j-3k के। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो सदिश ए है वो लिख लेते हैं और सदिश बी जो है वो लिख लेते हैं। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे इन दोनों का योग, फिर हम ज्ञात करेंगे इन दोनों का अंतर। तो दोस्तों जब आप इन दोनों वेक्टर का सम फाइंड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2i-cap प्लस 3j-cap प्लस 4k-cap, और जब आप इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -j-cap -2k-cap। तो दोस्तों जब आपने इन दोनों का योग तथा अंतर ज्ञात कर लिया है सदिशों का, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके अगले स्टेप की ओर, जो कि कह रही है इस प्रश्न में, तो चलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे कुछ इस प्रकार से, जो कि हम डिटरमिनेंट मेथड से ही ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये प्राप्त होगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट -2i-cap + 4j-cap - 2k-cap, जिसे हम यहाँ पर सी वेक्टर मान ले रहे हैं। अब इसके बाद हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है, अर्थात इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो होता है सी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर। तो चलिए पहले हम मॉड ऑफ सी वेक्टर फाइंड करते हैं। मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2² + 4² + -2² व्हिच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 + 16 + 4, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा अंडर रूट 24। इसके बाद यहाँ से आपको आपका अभिस्त मात्रक सदिश मिल जाएगा, जो कि आपका बराबर होगा सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर के, जिसमें आप जब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा -2i-cap + 4j-cap - 2k-cap / √24, यानी कि -2 upon √24i-cap + 4 upon √24j-cap - 2k-cap upon √24। तो देखा आपने दोस्तों कि किस प्रकार से हम यहाँ पर मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं। तो इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा दो सदिशों का सदिश गुणनफल। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।